ये प्रकरण थाना सुभाष नगर में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक हमें जानकारी मिली कि एक लड़की जो भर्ती हुई थी जिसे सांप ने काट लिया था, वो भर्ती हुई और उसके बाद उसे वेंटिलेटर पर डाला गया। उसके बाद जब उसकी हालत सुधर गई तो उसे फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद उसने ये कहा कि उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल हम लोगों ने वहाँ टीम भेजकर उसकी जांच कराई और FIR करा ली है हम लोगों ने उसमें, और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है इसमें और क्या बाढ़ के अंदर था ICU में, कहाँ की घटना बताई जा रही है? अभी तक की जो जानकारी है कि महिला पहले ICU में भर्ती हुई थी, उसके बाद उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया जब उसकी हालत में सुधार आ गया था, तो उसमें एक हॉस्पिटल के स्टाफ का भी नाम लिया गया है और कुछ लोगों का जो कि अज्ञात हैं उनके बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में हम पता कर रहे हैं और आगे की सभी कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं। उसका कहना है कि उसके हाथ पैर बांध दिए थे मोदी मास्क लगा दिए से, वो चिल्लाए ना और नशा भी दे दिया गया था, क्या अभी तक कुछ निकल गया, ऐसा क्या बताया उसने? जो देखिए, इस संबंध में जांच की जा रही है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी के आरोपों की हम लोग जानकारी करेंगे, वहाँ लगे हुए कैमरों की फुटेज देखी जाएगी, लोगों से बात की जाएगी और तमाम तरीके सभी एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लड़की जो नाबालिग बताई जा रही है? जी, अभी तक की जानकारी में लड़की नाबालिग है और उसी हिसाब से हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं।